Hey guys, welcome back to my channel. मेरा नाम है हामिद और लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए एक और वीडियो. गाइज, आज का जो मेरा वीडियो है वो ये है कि एक व्यूअर्स ने मुझसे कमेंट किया कि आप अपने केज को किस तरह से कवर कर रखते हैं और कैसे जो है ना ढक करके रखते हैं अपने बर्ड्स को. तो आज मैं वही दिखाने वाला हूँ अपने यहाँ पे. मैंने जहाँ पे इनडोर में अपने बर्ड्स रख रखे हैं और उनको किस तरह से मैंने कवर कर रखा है और कैसे मैं उनको जो है ना केयर करता हूँ ठंडी हवाओं से बचने के लिए. तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ. वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें. तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने अपने बर्ड्स को रख कहाँ पे रखा है. गाइस, ये एक स्टोर रूम है, मतलब मेरे घर का था पहले, और यहीं पे मैंने जो है ना अपना बर्ड सेटअप बनाया हुआ है. जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरी बजीज पैरट्स की कॉलोनी है और उसके ऊपर जो आप देख रहे हैं पोर्शन, यहाँ पे जो है ना कॉकटेल के लिए मैंने रखा हुआ था, बट मुझे कोई ब्रीडर पेयर कॉकटेल मिला नहीं. तो इसलिए जो है ना मेरे यहाँ पे जो चिक्स निकले हुए थे, जितने भी चिक्स निकले उनको सबको मैंने जो है ना ऊपर केज में शिफ्ट कर दिया है. सामने का जो आप पोर्शन देख रहे हैं जिसमें ब्लैक कलर में कुछ बर्ड्स उड़ते हुए दिख रहे हैं, सारे बर्ड्स जो है ना एक्चुअली में नीचे बैठे हुए हैं, दाना वगैरह खा रहे हैं. अभी मैं आया हूँ और मैंने लाइट जैसे ही खोली तो जानते हैं आप, रात का टाइम जब बर्ड्स का होता है वो सो रहे होते हैं और आप लाइट खोल देते हैं तो इनको लगने लगता है कि हाँ भाई दिन हो गया है, और ये जो है ना फिर अपने काम पे लग जाते हैं. और ये साइड का जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये कॉलोनी वाइट कलर की जो है, ये मेरी फिंचेस की कॉलोनी है. ठीक है, इसके अंदर तकरीबन जो है ना 4-5 पेयर फिंचेस पड़ी हुई हैं जो माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड कर रही हैं. और ये एक सिंगल पेयर बर्ड्स यहाँ पे मैंने रख रखा है, सिंगल बजीज यहाँ पे मेरे रखे हुए हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं एक पेयर है और उसमें भी ब्रीड हुई है. इससे पहले 3 बर्ड्स निकले थे चिक्स, और अभी भी कुछ चिक्स उसके अंदर निकले हुए हैं, बड़े हो गए थे, मैंने उठा करके वापस उनको वहाँ पर छोड़ दिया. तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. भाई बताते हैं कि हमने अपने बर्ड्स को कैसे कवर कर रखा है. और ये पूरा ऊपर टीन शेड है, कहीं से भी पोर्शन आप देख रहे हैं खुला हुआ नहीं है. ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है सामने, यहाँ पे कुछ मोखले वगैरह खुले हुए हैं, ठीक है, और उससे काफ़ी ठंडी हवा आती है. तो मैंने उसको वहाँ पे पूरा प्लास्टिक सीट से अच्छे से कवर कर दिया है ताकि बिल्कुल भी हवा ना आए. और मैं दिन में भी इसको नहीं खोलता हूँ, क्यों, क्योंकि अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, और अंदर का टेम्परेचर ठंडा होने की वजह से अगर बर्ड्स को थोड़ी भी हवा लगती है तो वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है. चारों तरफ आप देख रहे हैं पूरा दीवार से कवर्ड है. और ये जो हिस्सा है मेरे, ये जो इधर का पोर्शन है, जैसा कि आप ब्लैक कलर का ये त्रिपाल देख रहे हैं, और ये इसका गेट है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वाइट आपको शीट दिख रही होगी, प्लास्टिक शीट, और जाली का पोर्शन ये है. मेन दिक्कत यार यहीं से होती है, अगर गेट्स को मैं अच्छे से बंद करके नहीं रखता हूँ तो दिक्कत ये आती है कि बर्ड्स को ठंडी हवा लगती है और फिर वो हो जाते हैं बीमार. तो ये जो है ना पूरा शीट से मैं इसको यहाँ से एकदम अच्छे से बंद कर देता हूँ ताकि कुछ भी हवा बिल्कुल भी अंदर ना आए. में कमी आ रही है और इस वजह से हमें अपने बर्ड्स को प्रॉपर ध्यान देना है और कैसे उनको कवर करना है, ये सारी चीज़ें भी हमें जो है ना देखनी है. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे बर्ड्स जो है ना बीमार हो सकते हैं. और ये एक पोर्शन है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने जो है ना अभी फ़िलहाल के लिए गत्ता रख दिया है. गत्ता रखने का जो रीज़न था वो ये था कि मतलब वहाँ से बहुत ज़्यादा हवा आती है और त्रिपाल उड़ रहा था तो मैंने वहाँ पे गत्ता रख दिया. तो इससे क्या होता है कि बिल्कुल भी त्रिपाल उड़ता नहीं है और मेरा जो अंदर का पोर्शन है वो बिल्कुल हवा से फ्री रहता है, मतलब बिल्कुल भी हवा अंदर नहीं आती है. और ये एक अच्छा तरीका है अपने बर्ड्स को कवर करने का. अगर आपने अपने बर्ड्स को आउटडोर रख रखा है तो आप प्लास्टिक शीट से उसको बहुत अच्छे से कवर कर दें. किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या हम कपड़े से उनको कवर कर सकते हैं,
तो भाई कवर्ड कपड़े से आप करेंगे तो अंदर की जो मतलब ठंडक है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आ सकती है। आप ये काम कर सकते हैं कि पहले उन पर कपड़ा ढकें और फिर उसके बाद जो है ना वाइट प्लास्टिक शीट से आप बहुत अच्छे से उसको बंद कर दें। प्लास्टिक शीट से ये होता है कि वो एयर प्रूफ हो जाता है, मतलब जो बाहर की हवा होती है ठंडी वो अंदर बिल्कुल भी नहीं आ पाती है और उससे आपके बर्ड्स जो है ना एकदम ठीक रहते हैं। तो गाइज ये थी मेरी अपने बर्ड्स को कवर करने की एक इन्फॉर्मेशन। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।